पंजाब सरकार ने गोविंदवाल प्लांट का बिजली समझौता रद्द करने का फैसला किया है। कंपनी को समझौता टर्मीनेशन का नोटिस जारी किया गया है, जिससे सरकार ने महंगिया बिजली दरों का हवाला दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा नाल सीट शेयरिंग की गल मुड़ तो दोहराई है, कहा है कि किसानी मसला हल होने पर भाजपा नाल समझौता होगा, पर कांग्रेस नाल मुड़ तो कोई गल नहीं होगी। मुख्यमंत्री चन्नी ने किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल नाल फोन पर गल की है, खेती कानूनों मुड़ तो रद्द कर ली। संयुक्त किसान मोर्चे तो लिखती सुझाव मंगे। 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने किसान जथेबंदियों नाल अज मीटिंग की है, 15 नवंबर तो गन्ने की पढ़ाई शुरू करने का भरोसा दिता। किसानों ने सरकार तो कैश के बिना देरी तो अदायगी की मांग की है। गुलाबी सुंडी करके खराब हुए नरमे लिए सरकार ने अज मुआवजे का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 76% तो वध नुकसान से प्रति एकड़ 12,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 33% तो वध नुकसान से 5,400 रुपये का मुआवजा दिता जाएगा। खराब फसल लिए मुआवजे की मांग को लेकर किसान ने बठिंडा प्रदर्शन किया। मनप्रीत बादल की पत्नी और रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल का घिराओ करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कई किसानों हिरासत में ले लिया। मानसा च किसानों ने मुख्यमंत्री चन्नी और आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल खिलाफ विरोध जताया, दोहां पार्टियां के पोस्टर से काल खमल दी। उन्होंने पंजाब सरकार को गुलाबी सुंडी दे फसल का वध मुआवजा मांगा। भवानीगढ़ च किसानों ने मुख्यमंत्री चन्नी के पोस्टर से कालक लगा दी है, कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों नाल तस्वीर तो खिंचवा लिया, पर उन्होंने मुआवजा हाले तक नहीं दिता गया। किसानों प्रशासन विचाले अज हुई मीटिंग च शर्तां नाल टिकरी बॉर्डर का राह खोल दिता गया। सवेरे 7 बजे तो रात 8 बजे तक ये रस्ता खोलिया गया, सिर्फ दोपहिया वाहनों और एंबूलेंस लिए राह खोलिया। लुधियाना च कांग्रेसी MP रवनीत बिट्टू ने अज एक भड़काऊ बयान दिता, कहा कि हुण तां दिल्ली के बॉर्डर खुल गए हैं, हुण किसानों प्रधानमंत्री की रिहायश से संसद वल कूच करना चाहिए। किसानों वालों पूरी तरह दिल्ली के बॉर्डर ना खोले जाने पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने सवाल चुके थे। किसान आगुआ से दोहरे स्टैंड के इल्जाम लाए। पट्टी तो कांग्रेस विधायक हरमिंदर गिल की अज एक ऑडियो वायरल हुई, जिस उन्होंने बिजली विभाग के SDM को धमकाया है, कहा है कि जे लोगों से जुर्माना पाया तो बर्दाश्त नहीं करांगे। उन्होंने SDO को भ्रिष्ट अधिकारी दसिया। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने मुड़ केजरीवाल को निशाने पर लिया, पूछा कि पंजाब रोडवेज बसों को दिल्ली एयरपोर्ट तक क्यों नहीं आने दिता जा रहा, क्यों इस मसले पर चर्चा लिए उन्होंने मुलाकात का समा नहीं दिता जा रहा। मिशन 2022 लिए पंजाब भाजपा ने तैयारी खिंच ली है। लुधियाना च पंजाब BJP ने अहम मीटिंग की, जिसकी अगुवाई सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा वालों की गई। मुख्यमंत्री चन्नी अज मोहाली के हॉकी स्टेडियम पहुंची और खेड दौरान गोलकीपर बने। इस दौरान उन्होंने हॉकी खिडारियों गलबात की। मुख्यमंत्री भारतीय टीम के सबका गोलकीपर बलजीत डडवाल और सबका फॉरवर्ड प्रभजोत सिंह मिले। हिमाचल च विधानसभा दी 3 और लोकसभा की 1 सीट लई जिमनी चोणां लई वोटिंग हुई, जिस 65% तो वध लोगों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। उधर हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट लई भी पोलिंग हुई, जिथे करीब 80% लोगों ने वोट पाई। 2 नवंबर को जिमनी चोणां के नतीजे आने। एलनाबाद तो नैलो विधायक अभय चौटाला ने भाजपा के JJP से शब्दी वार किए। सिरसा च उन्होंने कहा कि इन्होंने उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी और चोणों च लोगों पैसे वंडन के भी इल्जाम। अबोहर च किसानों ने पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा का विरोध किया। अश्विनी शर्मा भाजपा वर्कर के घर आए थे, जिथे किसानों ने पहुंच के उन्होंने खिलाफ नारेबाजी की। रामपुरा फूल के नेड़े पिंड जेठूके च किसानों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। टिकरी बॉर्डर से जान गवाउन वाले 2 किसानों के परिवारों लिए मुआवजे की मांग की। हरियाणा च खाद की कालाबाजारी रोकने लिए रेवाड़ी च पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर से चौकसी वधाई और आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग की। हिमाचल कांग्रेस के सीनियर आगू GS बाली का अज देहांत हो गया। वो दिल्ली के एम्स च दाखिल सन। उन्होंने मृतक देह दिल्ली तो एयर एंबूलेंस राही कांगड़ा लिया गई, जिथे मृतक देह उन्होंने घर पहुंचाया। फाजिलका पुलिस ने एक शख्स को काबू किया है, जिस को 4 हैंड ग्रनेड, 2 पिस्तौल, 47 जिंदा कारतूस से 50,000 रुपये बरामद किए गए। फिरोजपुर की KVM कलोनी च दिन दिहाड़े गोली चलन की घटना वापरी। एक शख्स पिस्तौल लैके दूजे शख्स के पिछे भज्या, इस दौरान उसने फायरिंग भी की। पूरी वारदात CCTV कैद हो गई। नवांशहर पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 5 मैंबरों को काबू किया, जिन्हों को 2 देसी कट्टे, 2 कारतूस से चोरी की 1 कार से मोटरसाइकिल बरामद किया गया। लुधियाना के सुंदर नगर च 4 दिन दिहाड़े लुटेरिया ने एक फाइनेंस कंपनी च लुट की कोशिश की। लुटेरिया वालों फायरिंग की गई, जिसके जवाब में उत्थे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, तो एक व्यक्ति जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 मुलजमान काबू कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। अमृतसर की कपड़ा मार्केट चोरों वालों करीब 6 दुकानों के ताले तोड़े गए। हालांकि चोरी च कितना नुकसान होया इस बारे जानकारी नहीं मिल पाई। हिमाचल के नूरपुर तो कुटमार की एक वीडियो सामने आई है, जिस कुछ नौजवान इकट्ठे होकर एक लड़के को बुरी तरह कुटमार रहे हैं।
गोहाणा पुलिस एक मुलजम उत्तर प्रदेश तो प्रोडक्शन वारंट से लैके आई है। मुलजम ने गोहाणा के पिंड कटवाल च दो व्यक्तियों का कतल करने की गल कबूल की। मुलजम से गोहाणा च करीब 6 अपराधिक मामले दर्ज। रोहतक च सीएम फ्लाइंग टीम ने सेहत विभाग ने वख-वख दुकानों से छापेमारी की। मिठाई दी दुकानों तो सैंपल भरे। उन्होंने कहा कि त्यौहारों से मिलावटी समान बेचा जाने वालों बख्शा नहीं जाएगा। इटली च कपूरथला की जमपल गुरजीत कौर ने पंजाबियों का मान वधाया। गुरजीत कौर को पढ़ाई च अव्वल आने पर इटली के राष्ट्रपति वालों सम्मानित किया गया। गुरजीत कौर पिछले कई सालों तो अपने परिवार नाल इटली च रह रही है। अमृतसर च एक गरीब परिवार ने दिवाली लई मिट्टी के दीवे बनाए ने। परिवार मुताबक मिट्टी के दीवे बनाना उन्हों का पुश्तैनी काम है। परिवार ने लोगों मिट्टी के दीवे खरीदने की अपील की। फतेहगढ़ साहब के हलका अमलोह च देशभक्त यूनीवर्सिटी के स्थापना दिवस मौके 3 दिना फैसटिवल करवाया गया। इस दौरान वख-वख कलाकारों ने शिरकत करके विद्यार्थियों का मनोरंजन किया।